हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने 15 जो आपके स्टेट हैं उनके आपके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, उनकी जो कैपिटल है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं, ये सारा का सारा हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था। बाकी आपके जितने बचते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, 28 आपके स्टेट हैं प्लस 8 आपके यूटी हैं, ठीक है, टोटल मिला के 36 हैं आपके। तो आज हम सारे 36 के 36 इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अब यहाँ पे देखो भी, पंजाब है सबसे पहले। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, सॉरी राज्यपाल कौन है यहाँ के? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी ये आप सभी जानते हैं चंडीगढ़। लोकसभा की सीटें कितनी है यहाँ पे? 13। राज्यसभा की कितनी है? 7। और विधानसभा की कितनी है? 117 सीटें, ठीक है। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर कौन है आपके? मंगू भाई छगन भाई पटेल। राजधानी भोपाल। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की आपकी 230। नेक्स्ट है असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्वा शर्मा। कौन है? हेमंत विश्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। राजधानी दिसपुर। लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की कितनी है? 126 सीटें। नेक्स्ट है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली यूटी है। तो यहाँ के आपके मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। कुछ यूटी ऐसी हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, और कुछ यूटी ऐसी हैं जिनके सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो वो मैंने अलग से आपकी यहाँ पे लिख रखी है। तो अब देखो, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो है विनय कुमार सक्सेना। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है, तो नई दिल्ली के उपराज्यपाल याद रखना है विनय कुमार सक्सेना। यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है? 7। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मुथुवे करुणानिधि स्टालिन। कौन है? मुथुवे करुणानिधि स्टालिन। स्टालिन से याद रख लेना, एम के स्टालिन भी बोलते हो आप लोग, कैसे याद कर रखा होगा, एम के स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल कौन है आपके? आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। राजधानी है चेन्नई। लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की है 234 सीटें। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। कौन है? कॉनराड संगमा। यहाँ के राज्यपाल बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। राजधानी शिलोंग। लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की है 60 सीटें। नेक्स्ट है पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। कौन है? एन रंगास्वामी। जो आपके स्टेट होते हैं उनके राज्यपाल होते हैं, जो आपकी यूनियन टेरिटरी होती है उनके उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो आपका एन रंगास्वामी है। और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके वो कौन है? तमिलसाई सौंदर्यराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदर्यराजन। सीटें लोकसभा की 1 है, राज्यसभा की भी 1 है। नेक्स्ट है यूके यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। राजधानी देहरादून सभी जानते हो। यहाँ इसकी दो राजधानी है, एक विंटर की है एक समर की है। जो देहरादून है वो आपकी विंटर की है और जो गैरिसन की है वो आपकी समर की है। यहाँ पे लोकसभा की 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 71 सीटें हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? भूपेश बघेल। क्या नाम है? भूपेश बघेल। उसके बाद राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। और राजधानी नया रायपुर। लोकसभा की सीटें 11, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की आपकी कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। नेक्स्ट है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट राजधानी तिरुवनंतपुरम।
लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल है गंगा प्रसाद। राजधानी है गंगटोक। लोकसभा की एक है, राज्यसभा की भी एक है और विधानसभा की है 32 सीटें। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नेफ्यू रियो। क्या नाम है? नेफ्यू रियो। गवर्नर है जगदीश मुखी। इनको है ना भाई, ये गवर्नर नहीं है यहाँ के, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता, तो जगदीश मुखी यहाँ के फिलहाल गवर्नर नागालैंड। राजधानी क्या है? कोहिमा। लोकसभा की एक, राज्यसभा की एक, विधानसभा की है 60 सीटें। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। राजधानी रांची। 14 है आपकी लोकसभा की, 6 है राज्यसभा की और 81 है आपकी विधानसभा की सीटें। यहाँ पे देखो भाई, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है यहाँ के? गणेशी लाल। राजधानी भुवनेश्वर। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की कितनी है? 147 सीट। फिर है मिजोरम। मिजोरम जोरमथंगा। मिजोरम के कौन है? जोरमथंगा। यहाँ के गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति। डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति। कंबमपति डॉक्टर हरिबाबू। एक है लोकसभा की, एक है राज्यसभा की, 40 सीटें हैं विधानसभा की। नेक्स्ट, ये वो यूनियन टेरिटरी है जिनके आपके मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री राधा कृष्ण माथुर। कौन है? श्री राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्री राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, लद्दाख राधा, जम्मू कश्मीर ये आ जाएगा आपका मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। आप सभी जानते हैं इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, एक बना दिया ना। तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप के कौन है? श्री प्रफुल्ल। कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। चंडीगढ़ के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के भी कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल। कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल, जो आपके दादरा नगर हवेली के हैं, वही लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अंडमान निकोबार के कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। तो यहाँ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 110% याद करके जाना है, एग्जाम का पार्ट बनेगा यहाँ से। दिल्ली वाला जितने यूटी है इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर तो आपको अच्छे से याद करने हैं। मुख्यमंत्री वैसे भूल जाओ, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर 100% याद करने हैं, वहां से क्वेश्चन पुटअप जरूर होगा। तो ये थी आपकी मुख्यमंत्री से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो, सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पर होनी चाहिए वो आप लोग मुझे बता देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।